मैच खेल चुके हैं सेमीफाइनल, तो अभी फाइनल का राउंड चल रहा है जी। शुक्रन अहमद अबू शहाब, चाचा जानी की बैटिंग कब आएगी जी? महक जानी जी, चाचा जी बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग के बाद इंशाल्लाह जी बैटिंग पर तशरीफ फरमाएंगे जी। सात कद कासिम अली सऊदी अरब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ है जी? ये मैच शामख अबू जैबी के सिटी में हो रहा है जी। फाइनल राउंड स्टार्ट होने लगा है इस टाइम। ओ बैट्समैन पहुंच चुके हैं, फील्डिंग भी जारी है जी। 16, थैंक यू। जी तमाम दोस्तों का मैं भी आज शुक्रगुजार हूँ इस टाइम जो मैच देख रहे हैं। राय कासिम अली सऊदी अरेबिया, क्या हाल है? मैं जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह करम ठीक ठाक। मैं जी शामख में रहता हूँ जी। आप कौन सी जगह शामख में रहते हैं जी? हम लोग मकबरा के साथ इस टाइम मैच खेल रहे हैं। ये मस्जिद हमारे पास करीब है, दोनों साइड पे पार्किंग बहुत अच्छी है। कितने ओवर का मैच है, बहुत नींद आई जी। आप सोना चाहें तो सो जाएं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह दोपहर 12 बजे के बाद फिर इंशाल्लाह मैच दिखाया जाएगा, रिपीट किया जाएगा मैच। शुक्रिया। महक मलिक हैं, महक जानी हैं, जो भी हैं जी, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि इस टाइम मैच देख रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो कि लाइव मैच देख रहे हैं इस टाइम। जी हैं इस टाइम मौजूद हूँ, क्रिकेट मैच स्टार्ट होने लगा है जी सऊदी अरेबिया से। थैंक यू जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। इस टाइम मौजूदा हालत में फाइनल जी। ये कौन सी जगह है सऊदी अरेबिया में? सॉरी, ये सऊदी अरेबिया में नहीं है जी, ये मैच शामख अबू जैबी की जगह में हो रहा है इस टाइम जी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। आती भाई किधर हैं? आज मैं 9 नंबर पूरा घूम जी। आती भाई आज शामख में मैच जो के खेल रहे हैं इस टाइम, उनका अपना ही एक टूर्नामेंट था सिंपली। तो जी महक जी, आपके बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब इस टाइम बॉलिंग पर आ चुके हैं। इनका नाम अली है जो कि 7 कद जी। एडी एंड अली, एडी भाई बॉलिंग के लिए स्टार्ट, और सुलेमान भाई आमना सामना करेंगे जो कि मौजूदा दौर में एक ही टीम में खेलते थे। आती भाई किधर गए? मैक जानी जी वो इस टाइम मौजूद हैं फील्डिंग पे स्ट्रेट पे जी। मैच स्टार्ट होने लगा है, पहला बॉल जारी है जी। दोनों चाचा एक दूसरे के सामने, चाचा बॉलर हैं, चाचा बैट्समैन। मैच जारी है इस टाइम। ओ जी ये ड्रॉप हुआ कैच, ओ इंतहाई जी। आपके आती भाई इस टाइम फील्डिंग पे मौजूद हैं, फ्रंट पे मौजूद हैं, स्ट्रेट पे मौजूद हैं जी। गुड बॉल जी, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है एडी साहब जो के बॉल कर रहे हैं इस टाइम। किधर है मैच जी? इस टाइम मैच शामख में। ओए व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, ग्रेट शॉट, लॉन्ग सिक्स, ब्यूटीफुल सिक्स जी। इस टाइम हमारे साबिक कैप्टन सैफुल्ला साहब की टीम फाइनल में पहुंची हुई है।
What a great shot. It's the beautiful shot. एडी भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए कहां पर है जी? ये श्वामक में है, श्वामक और बनियास बहुत अच्छी प्लेस है। ओए व्हाट अ शॉट, इज द वेरी ब्यूटीफुल फोर, नो फोर इज वेरी ग्रेट फील्डर, वेरी वेरी फील्डिंग इज ब्यूटीफुल फील्डिंग। ओ ये फोर था लेकिन फील्डर ने बहुत ही अच्छी बॉल रोकी जी। ये बहुत अच्छी बॉल करते हैं एडी भाई, आप एडी भाई के बहुत अच्छे फैन हैं जी, सुनाया जा रहा है जी आपको। धनिया बहुत बहुत दूर दूर से देखी जा रही है, ये जद्दा में नहीं है भाई, अबूजैबी सिटी के। ओ क्या बॉल, सेम उमर गोल वाला याकर, शुएब अख्तर वाला याकर, ये क्या याकर मारते हैं एडी भाई जी। ये अबूजैबी में है माशाल्लाह, एंजॉय करो। थैंक यू जी। आजे जी, एक रन मिला यहाँ पर, नहीं जी दुबई में नहीं जी। आफिया चौधरी साहिब जी, ये अबूजैबी में है। नदीम जान कौन है जी? ये नदीम जान अबूजैबी में कौन सी जगह जी? ये अबूजैबी श्वामक, श्वामक ही कहना जी। तो सवाल स्टार्ट, हाँ जी हम सब पाकिस्तानी भाई हैं, पंजाबी। ओ ये वाइट बॉल जी, तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया जी। लेग अंपायर जो कि हमारे कैप्टन मोहम्मद उस्मान इस टाइम अंपायरिंग करते हुए जी, व्हाइट बॉल जी। इस टाइम एक रन मिला एरिया भाई जी। बिलाल शेख साहब ये श्वामक में है जी, अबूजैबी। फाइजी थैंक यू जी। ओए ओए लंगा लॉन्ग, नो ये तो सिक्स नहीं हुआ, कैच ड्रॉप। ये कैच बहुत इंतहाई अहम है, ये बेस्ट मैन शायद अफरीदी के नाम से जाने जानते हैं जी, पठान सरफराज पठान। इन्होंने बहुत ही अच्छा शॉट खेला लेकिन कैच ड्रॉप। बॉलिंग करने के लिए बॉलर आए और बेस्ट मैन भी तैयार है जी, खान साहब। आउट हुए यहाँ पे, बहुत ही अच्छी विकेट गिर गई। बॉम बॉम जी, आपकी टीम के बॉलर ने आउट कर दिया मैक जानी, श्वामक रोड के पास, बनियास राउंड अबाउट के पास आई थिंक जी। ये बिल्कुल नजदीक आपकी लोकेशन एग्जैक्ट बता रही है हमको जनाब जी। आप कहाँ से हो? मैं मोहम्मद रमजान मुगल फ्रॉम सरगोधा शहीनगर शहर जनाब जी। जबरदस्त याकर मारा, विकेटें उखाड़ दी बॉलर ने जी। यहाँ से मेरे भाई जो कि सऊदी अरेबिया से वो मुख्तलिफ ममालिक से देख रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कौन सी जगह है जी? ये शोमा अबूधाबी का एरिया है जी।
जी तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हमारे नायब कैप्टन करामत शाह की बैटिंग जारी है। ओए 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 ग्रेट शॉट मिस फील्डिंग लॉन्ग लॉन्ग सिक्स इज ब्यूटीफुल सिक्स। करामत भाई की कैप्टन में बहुत टीम अलग कारकर्दगी दिखा रही है, जो कि दूसरा टूर्नामेंट के अख्ताम पर पिछली सेकंड टूर्नामेंट में इन्होंने सेमीफाइनल हारा था, तो इस टाइम फाइनल मैच जारी है। भाई हैदर और अच्छी बॉलिंग की, मैच इस टाइम किस मुख से देख रहे हैं कंफर्म नहीं है। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका दिल से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सुहेल खान जी। थैंक यू सुहेल खान, आपकी जो लिखी हुई हमको मालूम नहीं है आपने क्या लिखा है जी। बॉलिंग करने के लिए आए बैट्समैन रेडी। ओए ये याकर बहुत ही लंबा याकर था, लेकिन बैट्समैन ने जज करते हुए बॉल तो मिस हो गई लेकिन आउट नहीं हुए। जी मैं आप तमाम भी बस का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका प्यारा भाई मोहम्मद रमजान मुगल फ्रॉम सरगोधा शहीनों का शहर। जी स्कोर इस टाइम 200 के करीब पहुंच चुका है। जी इस टाइम मैच जो है 300 रन बनाए के 200 रन मुकम्मल हो चुका है। 200 हो गया जी कवाची मैच हो कहां रहा जी उल्लू के पट्टे। ये मैच शमक में हो रहा है, कितने ओवर का मैच है जी। मैच 50-50 ओवर का जी, 50-50 ओवर का मैच जारी है इस टाइम। ये वनडे का मैच है, एक रात जो है एक टीम खेलेगी दूसरी रात दूसरी टीम खेलेगी, 50-50 ओवर का मैच जारी है। जी मैच जी आपके अच्छे बॉलर इडी भाई आए हैं, आप किधर गायब हो गए हैं? जी महक मौलिक साहब आप तशरीफ फरमाएं, आपके बहुत ही अच्छे बॉलर महक जानी सॉरी जी। ओए होए होए इज द बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग, क्या बॉलिंग की जी। चौधरी उमेर साहब ओनली फनी प्लीज सॉरी, ये 6 ओवर का मैच है जी, फाइनल मैच चल रहा है शोमक बनियास अबू धाबी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम उस्मान जान जी सही, थैंक यू चौधरी उमेर साहब। ओ व्हाट अ ग्रेट, ये नॉट आउट किया गया जी। ओ
पहले भी लगा सी मौली बड़ी साफ आवाज आई है, समझ आई, पहले भी साफ आवाज आई है लेकिन जज नहीं आया। नहीं नहीं जज नहीं आया। अगर लवली साइम जी थैंक यू, सच बोला करो। चावल कितने ओवर हैं जी, चबले नहीं मारते हम जी। लवली साइम साहब 6 ओवर हैं जी, आपको बता रहे हैं जुमा दिन खेल था ही जी। बशीर खान साहब हमको पश्तो नहीं आता है, चनाब आप उर्दू में तशरीफ फरमाएं। तमाम व्यूवर्स, तमाम देखने वाले दोस्तों का मैं बेहद शुक्र गुजार हूँ। एडी भाई बोलने के लिए स्टार्ट। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग, वेरी वेरी विकेट, वेरी बिज, वेरी वेरी ग्रेट बॉलिंग। एडी भाई मैक जानी आप किधर गायब हो गई हैं, आपके बहुत ही अजीज एडी जान जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप नजर नहीं आ रहे हैं, आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं आपकी जी। एडी भाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट ले चुके हैं और हैट्रिक का चांस है। जी ये मैच इंतहाई अहम मराकिस में पहुंच चुका है, नए बैट्समैन आए हैं जी। एडी भाई रेडी है बॉलिंग करने के लिए और ये हैट्रिक चांस, हैट्रिक चांस होने का खतरा। ओ बॉल तो बहुत अच्छी की लेकिन विकेट से बच गई। एडी भाई आई लव यू हो गया जी, थैंक यू एडी भाई को हम बोलेंगे मैच के बाद जी। मैक जानी जो स्पेशल आपकी मैच देख रहे हैं, टेनिस बॉल है जी, टेनिस बॉल है। तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार जी। इस टाइम बहुत ही बड़े ऑलराउंडर, बहुत माने थाने, बहुत ही अच्छे बैट्समैन जिनका नाम शमखा में सुनते ही बॉलर की कामें टांप जाती हैं जी, बैटिंग करने के लिए आए हैं, बॉलर के टांगों में पसीना जारी है। ओ क्या बॉलर, क्या बैट्समैन जी, ये टांगे कांप रही हैं या बॉलर की टांगे कांप रही हैं या बैट्समैन की जी मैच इंतहाई है बॉलर जी, पुराना टकरा, स्कोर स्कोर, ये ओवर का बहुत बड़ा टकरा है जी, बहुत अच्छा बॉलर, बड़ा अच्छा बैट्समैन जी, दोनों का आमना सामना बहुत ही मुश्किल है जी। ये मैच आपको कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे आती भाई मैच दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओए गुगली, ओए क्या बॉल है बच्चे, शाबाश जी। ये बैट्समैन की भी टांगे कांप रही हैं, बॉलर की भी टांगे कांप रही हैं मौलवी साहब। ये तो हमारे कमेंटेटर की फिलहाल कांपे टांगे। ओए 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 ओए, वालेकुम अस्सलाम, लगता है बैट्समैन की कांपे टांग जी, बिल्कुल ऐसे ही है मैक जानी, शुक्रिया अकमल तहीब, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम, किधर है अफगान लाला जी, इधर ही है, किधर जाना। ओए 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 क्या गुगली है, ओए ओए व्हाट अ शॉट जी, फातिमा के फक जी, बहुत मैच फंस गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान अकमल तहीम, वालेकुम अस्सलाम मलिक साहिब, इस टाइम हमारा लाइव मैच देख रहे हैं। मैक जानी आपकी टीम बहुत इम्पोर्टेंट महल में पहुंच चुकी है जी, मेरे बहुत ही अजीज कैप्टन, साबिक कैप्टन सैफुल्ला साहब जो बैटिंग पर तशरीफ फरमा हैं। देखिए भाई जा रहे हो, और मैं इंजमाम भाई नाल नहीं जाना, ओ मानी नहीं, इधर ही रहा, उधर तो नहीं, इधर ही रहा।
ਇਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਇਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਖੇਲਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੂ ਕਲੋਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਆ ਨੂੰ ਮਾਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਚਾਂ ਸ਼ਾਟ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਚਾਂ ये मैच इस टाइम जारी है इंपोर्टेंट मनहाइल में ओए क्या कैच है शाबाश लाले बहुत ही अच्छी बॉलिंग जारी है इस टाइम खतरनाक बॉलिंग जी ये बहुत जारी है सकलैन भाई बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम ये इनके साथ बहुत ही करम है जी हमारे शाह साहब हैं इन्होंने बहुत दम फूके बहुत कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से सकलैन ने इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कुछ समझ से बाहर है अली पाक कान ओए शॉट ओए व्हाट अ शॉट इज द ग्रेट शॉट ओ लॉन्ग लॉन्ग सिक्स इज द ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटीफुल सिक्स ब्यूटीफुल सिक्स ओ दो छक्के पे आ गए आई थिंक अब ते भी मुसफा जी थैंक यू सो मच ओवर हो गया ना अंजलि जो कि बांग्लादेश से हैं कि मुनुसी असी बालासी तभी बालाजी नहीं बालों से बासी जी ये मैच बहुत इंतहाई अहम है तमाम व्यूअर्स देखने वालों का शुक्रिया कहाँ पे जी ये शौमक बनियास में है लास्ट ओवर मेरे ख्याल से जारी है और छक्के पे छक्का आउट पे आउट कुछ समय से गेम बाहर है जो लाइव मैच दिखाने वाले भाई जान बॉलिंग भी करते हैं बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं ये टीम जो इस टाइम बेस्ट बॉलिंग कर रही है ये दूसरा लगातार मैच फाइनल खेल रही है जी ये हमारे मानी भाई जा रहे हैं जो के नाराज हो के ओ ओ ओ क्या थ्रो ये टीम बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है इस टीम में हमारे शाह साहब हैं वो शाह साहब बहुत दाम दरुद करते हैं अपनी टीम को बहुत आगे लेके आए हैं इस टाइम जो श्वामक में बहुत स्लो टीम थी ओ ये नौ बॉल दिया और ये फोर रन इस बॉल पे फाइव रन मिले आतिफ भाई गुड हो गया जी आतिफ भाई बॉलिंग कर रहे हैं आतिफ भाई ने नौ बॉल करवाया है और गोड़ियां के ऊपर भी आवे तभी नौ बन दी है बीमर दी याद रख बैक टू बैक हो गया ना उस्मान भाई ओ आतिफ भाई ने क्या बॉलिंग की है याकर मारा था लेकिन याकर बच गया थोड़ा सा इस टीम में बहुत अच्छी कारकर्दगी है इस टीम में दो शाह जी हैं उनका दम दरुद बहुत चलने लगा दोनों भाई हैं छोटे बड़े छोटे मियां और बड़े मियां हैं आप 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 अभी 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 थ्रो 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 विकेट विकेट ये ओ इतना स्पीड से थ्रो किया आती भाई आज जीतना जी आती भाई स्पेशल मैच जितवाने के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं जी ये लास्ट बॉल फाइनल मैच का पहला ओ क्या थ्रो आतिफ भाई ने इतना अच्छा थ्रो किया जिसका कोई अंदाजा नहीं है जितनी तारीफ की जाए कम है
इतना जबरदस्त थ्रो, ये थ्रो ऐसा सेम धोनी वाला था, ऐसे थ्रो किसी दौर में धोनी लगाया करता जैसे इन्होंने थ्रो किया। जी मोस्ट वेलकम कृषि साहब, आप आए जी, आउट हो गया आतिफ भाई ने, बहुत अच्छा थ्रो किया। ओ बॉलिंग ये जो लाइव मैच दिखाते हैं इस टाइम वो ही इस टाइम बॉलिंग पे मौजूद हैं। ये बॉल करने आए, ओ क्या यॉर्कर लगाया, लेकिन ये मैच इस टाइम फाइनल आती भाई की टीम को टारगेट मिल गया है। स्कोर कितना है जी, कमेंट्री वालों के नेम तो सेंड करें। जी माय नेम इज मोहम्मद रमजान मुगल फ्रॉम सरगोधा शहीनगर शहर। ये भाई आतिफ भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और ये मोबाइल दिया हमें और आप लोगों को हमने मैच दिखाया, तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम मौजूद हैं आतिफ भाई और बहुत अच्छी बॉलिंग अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर अपनी टीम को फाइनल मरले में पहुंचाया। कि हमारे मनान भाई बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, कीपरिंग करेंगे इस टाइम। स्कोर कितना टारगेट है जी, टारगेट बताएं। आपके फॉलोअर्स आपके बहुत ही मुतासिर हैं, मैच देख लें भाई। सरगोधा मैं कहां से हूं जी, आप कहां से हैं मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो सरगोधा का हूं जी। ये हमारे करामत शाह साहब हैं जो के तशरीफ फरमा हैं, ये बहुत ही अच्छे काबिल एहतराम और अपने वक्त के बादशाह हैं। इन्होंने शामख में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है कि जो बेस्ट मैन बॉलर आता है उसकी टांगों में से पानी आता है, कांपती हैं, तो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं जी। टारगेट बताया जाए 51 का टारगेट है जी, 5 ओवर में जी। ओ सॉन्ग भी साथ साथ नहीं, सॉरी ये तहज्जुद का टाइम है तो हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, झूठ धोखा फ्रॉड ये हमें बहुत है, बस क्या करें मजबूरी है जी। मैं सरगोधा कस्बा फारूका से, यार ये टारगेट तो मेरे छोटे भाई जी प्यारा मुगल जी, थैंक यू मुगल ब्रदर, कुछ टारगेट नहीं है, हम जीतेंगे इंशाल्लाह जी। आतिफ भाई जो है टीम बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह क्यों नहीं जीतेंगे, लेकिन एक बात है कि यहाँ आतिफ भाई से ज्यादा इस टाइम दो शाह हैं, उनका दम दरूद इस टीम में बहुत चलता है जी। मैं आपका प्यारा भाई मोहम्मद रमजान मुगल फ्रॉम शहीना शहर सरगोधा से आपको लाइव दिखाते हुए जनाब जी। एडी भाई तशरीफ फरमाएं, आपके बहुत फॉलोअर आपके मुतासिर हैं आपको देखने के लिए, मैक जानी आपका इंतजार कर रही हैं, प्लीज सामने आए और अपना तारुफ कराएं। मैक जानी को बोलो मैं बहुत थक चुका हूँ जी, कल वाले कल जब स्पॉन्सर करूंगा तो फिर जी जी स्पॉन्सर आईफोन है। जानी साहब आप सुन रहे हैं ना, मैक जानी साहब आपके जी बहुत अच्छे दोस्त एडी भाई थक गए हैं इस टाइम। ये मैच बहुत अच्छा है, आज दम नहीं चलेगा, बस दम दमादम चलेगा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे प्यारे भाई तैयब शाह साहब लकी शाह साहब बहुत मशहूर हैं जी, शमखा में इनका दम बहुत चलता है जी। हमारे प्यारे भाई लकी शाह साहब मौजूद, टीम ओनर तैयब शाह साहब ओनर टीम मौजूद, टीम स्पॉन्सर रज़ाक जी बॉलर आए। ओए होए ये कैच और ये फील्डर, ये कैच नहीं होगा, मैं 100% बताता हूँ, मुझे पता है फील्डर का, तो देखें ये 4 रन से बच गया।
जी जबरदस्त, किस जगह खेल रहे हैं जी? हम लोग इस टाइम शामक में खेल रहे हैं। पहला बार जारी है, एक बाल हो चुकी है, दो रन हो चुके हैं। ओए गुड शॉट, हेलो ब्यूटीफुल कैच, ओ ब्यूटीफुल कैच, ओ वेरी गुड कैच, एक विकेट गिर चुकी है। और शाह जी बहुत मुतासर हो रहे हैं एक विकेट गिरने पर, बहुत टेंशन परेशानी में मुबतला है इस टाइम। तो मेरा ख्याल से शाह जी को चाहिए एक तस्वीर लें, थोड़ा थोड़ा जिक्र करना स्टार्ट करें। आतिक भाई गुस्सा नहीं, प्यार से बच्चों को समझाओ, अच्छा खेलें जी। आतिक भाई मैच जानी का मैसेज है जी, हम लोग मैसेज दे रहे हैं। आतिक भाई इंशाल्लाह मैच जितवाने आए हैं तो जितवा कर ही जाएंगे। इराक से मैच देख रहा हूँ। गुलाम नकवी जी थैंक यू, आपका मैच देखने का शुक्रिया जी। मैक जानी आपके प्यारे दोस्त एडी भाई खुद बैटिंग पे पहुंच गए हैं जी। आती भाई को सामने ले, आती भाई बहुत थके हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये वाइड बॉल, एडी भाई को ठंडा पानी पिलाओ जी। एडी भाई को जितना ठंडा पानी पिलाएं, जितने ठंडे पिलाएं बेफजूल हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल यहाँ पर। ओ ओ क्या कट खेला, क्या कट खेला, फील्डर भी बहुत चलाक है। एडी भाई छक्का मारो, एडी भाई छक्का नहीं मारेंगे, एडी भाई सिंगल डबल पे मैच विन करेंगे जी। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त तैयब शाह साहब हमारे पास मौजूद। ओए क्या बॉल है, क्या स्टाइल है जी। हमारे बहुत ही प्यारे तैयब शाह साहब की टीम इस टाइम दूसरे मरले में दूसरी दफा फाइनल मैच खेल रही है इस टाइम। हर 5 मिनट बाद नई वीडियो। ओ ये बॉल जज नहीं हुआ बैट्समैन से, तो शाह साहब किधर हैं जी? शाह साहब हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको इंशाल्लाह बुलाएंगे तो इंशाल्लाह आपका तारुफ करवाएंगे। शाह जी बहुत ही अच्छे इखलाक के मालिक हैं, बातें हमारी महसूस नहीं करते, बहुत ही अच्छा प्यार। ओ ओ क्या ये दूसरा कैच जी। शाह जी को मैच पे ले आते हैं, सामने फ्रंट पे आपको दिखाते हैं। ये शाह जी बहुत अच्छा दम करते हैं, ये इनके दम की वजह से आज दो फाइनल मैच, ये दूसरा फाइनल खेल रहे हैं। ये शाह जी तैयब शाह जी थोड़ा तशरीफ फरमाएं प्लीज, आपका दम मशहूर हो चुका है, आपके फॉलोअर आपको चाहते हैं, आप तशरीफ फरमाएं प्लीज। शाह जी तशरीफ फरमा है, मैं इस टाइम मैं उनका बेहद शुक्र गुजार हूँ। इस टाइम शाह जी मुखलिस वफादार दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वफादार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने इनकी टीम बहुत ही इंतहाई लूज थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी टीम मजबूत बनाई। इस टाइम शामख में बहुत नाम इनका सुना जाता है, बहुत थैंक यू। कौन सी जगह पे हो रहा मैच जी? ये मैच शामख में हो रहा है माशाल्लाह जी। थैंक यू मैक जानी जो कि इस टाइम लाइव मैच देख रही हैं, हम बेहद शुक्र गुजार हैं, हर आवर में कमेंट्स जारी हैं। ओए ओए कैच, ये कैच नहीं होगा, नहीं होगा। हमें भी एक्सपीरियंस है, एक प्लेयर खेलता है तो
हमें बहुत एक्सपीरियंस है कि कौन बेस्ट में बॉलर जो है वो फील्डिंग कर सकता है अच्छे तरीके से। हमें भी काफी टाइम हो चुका है, तो ये आपका नेम जी मोहम्मद रमजान मुगल फ्रॉम सरगोधा शहीनों के शहर जी। चस नहीं लेनी चाहिए जी, चस लेते वक्त बहुत मुश्किल होती है, प्लीज चस नहीं लेनी चाहिए जी। बॉलर आए और बैट्समैन भी रेडी है इस टाइम। येलो आएगा, ओ वाइट बॉल, लंबा वाइट बॉल, नहीं नहीं नहीं, अंपायर का इशारा वाइट बॉल, चार बॉलर जी। एडी भाई बैट्समैन इस टाइम मौजूद हैं बैटिंग पे और एडी भाई आती भाई इनका मैच फाइनल हो रहा है। यार छड़ दे, असि कर भी नहीं सकते, तू बॉल कर यार, यार असि अंपायर ना कर यार, एडी बॉल ना ग्राउंड दे नु ओए, अंपायर ने लगया ओए पहले रहन दे, ए करा भाई छोड़ दे यार, छोड़ दे यार, वेट नहीं मार आप लोग दोस्त, ओदा काम में दराज केवल वेट नहीं है, कौन है अंदर यही टीम थी। मैं आपको एक न्यूज देने लगा हूँ, आपको बहुत ही अच्छी न्यूज देने लगा हूँ। ये जो है टीम, यही सेकंड टूर्नामेंट में यही आमना सामना हुआ था, वो 80 रन का टारगेट दिया था जिसमें मैं भी मौजूद था, लेकिन हम लोग हार चुके थे। हमने 80 रन बनाए थे लेकिन फिर भी हम लोग हार गए। आज फिर वही मैच, सेम पोजीशन, सेम कंडीशन। ओ ये अंपायर का इशारा वाइट बॉल जी, अंपायर को चाहिए कि हाथ खुले रखें, वाइट का इशारा करें। ये लड़ाई जी किस लिए कर रहे हैं जी, लड़ाई इसलिए सब कर रहे हैं, सब लोगों को नींद आया हुआ है, सब गुस्से में हैं। जी बैट्समैन का नाम मुझे याद नहीं है, मैं नया कंपटीटर आती भाई के साथ मौजूद हूँ। ओए ओए व्हाट अ ग्रेट, ओए ग्रेट शॉट, ओए ओ ग्रेट शॉट, बॉल चेंज कर रेडी जी। बॉस कहाँ से हो जी, बॉस तो नहीं हूँ मैं, आपका प्यारा भाई मोहम्मद रमजान मुगल दोस्त जी। ओके बहुत अच्छा मैच जारी है, पहुंच चुका है इस टाइम, रिंकू सिंह हो जाऊंगा शाह जी बहुत परेशान है इस टाइम, फाइनल मैच जी इंशाल्लाह पांच बॉल में मारूंगा, पांच जी। ओके सॉरी मिस्टेक हो जाती है, ओ ओ डबल डबल बनेगा, ये डबल बनेगा जी, इजी से बनेगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी बोलते हैं वही होते हैं, जहाँ पे कैच ड्रॉप होता है हमने पहले बोलते हैं कि कैच ड्रॉप होगा डबल बनेगा। हमें फील्डर का मालूम है कि वो कैसे फील्डिंग करेगा, कैसे बॉल पकड़ेगा इसको सच्चा फील्डर जी। कुवैत से सूर्य अच्छा, थैंक यू कुवैत से, नहीं सॉरी जी ये मस्जिद बताना पड़ेगा जो है भाई के बताएगा इस आदमी को लेके जाओ। हाँ मस्जिद में नहीं, इधर शुरता लेके जाता है शुरता। ओ ये होता ना मैं टाइप मरता। बॉलर ने बहुत अच्छा बॉल किया मतलब दूजिया वाली सच बोल सब वाली
ਕੰਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਧਰ ਗਏ ਸ਼ਮਕਾਂ क्या बॉल की बॉल मिस किया बॉलर ने मैच बहुत अहम है बहुत इंतहाई अहम है शाह जी का दम दरूद मेरे ख्याल में शाह जी को दोबारा वुजू करना पड़ेगा दूसरा बार तीसरा बार बहुत ही प्यारे शादी हैं यकीन जानिए हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं हमारे बड़े भाई हैं बड़े भाइयों की जगह है हमारे लिए बहुत ही रेस्पेक्ट है लेकिन सम टाइम इस जोक ये बैट्समैन मैच खराब करेगा जी एडी भाई सामने नहीं आ रहे तो मैच लाभ खराब होगा मैं जानी भाई बैट्समैन मेकर लगते हैं आपके बोलने से लग जाएंगे लेकिन यहाँ खेलना बहुत मुश्किल होता है ओए ग्रेट शॉट इज द वेरी वेरी लॉन्ग लॉन्ग सिक्स इज द ब्यूटीफुल सिक्स इज फ्रंट सिक्स तमाम दोस्त शेयर करें लाइक करें प्लीज फॉलो करें और जैसे जैसे आपका लाइक फॉलोअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहाँ पर स्क्रीन लगाई जाएगी दोबारा रिव्यू होगा पोस्ट सिस्टम बनाया जाएगा भाई हम भी खेलते हैं लगता भी है जी लग जाते हैं कोई शक नहीं है लेकिन बोलने में और खेलने में बहुत आसान काम है मुंबई इसको बॉल सिंगल लेकर एडी भाई को चांस तो एडी भाई आ गए हैं ओवर हो चुका है आउट नहीं बड़ा चक्का मारना मैं जानी फरमा रहे हैं सिक्स लगाएं एडी भाई आपके सिक्स काम आएंगे जी वो फरमा रहे हैं कि ये मोबाइल पे छक्का लगेगा वो ये क्या ये कैच नहीं होगा कैच मुझे पता है मैं जो बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और सच होती है एडी भाई छक्का नो छक्का नहीं लेकिन डबल बना लिया इस टाइम स्कोर तीसरा ओवर जारी है 25 रन पहुंच चुके हैं मैच सेंटर में फंस गया है ओ ओ ओ फोर होगा ये फोर होने का चांस लेकिन फील्डर ठीक है दो वाला तीन आ गया ठीक है टाइम क्या हो गया चार हो गए हैं आटी भाई को बहुत टेंशन है चार का टाइम हो गया है मौलवी मस्जिद में आने वाला है और हम लोग अभी भी खेल रहे हैं जी ये बनियाद से हैं इनका नाम मनान है उज़ैफा मशाल आपके कोई दोस्त हैं वो फरमा रहे हैं कि ये कीपर मुझे बनियाद से लगते हैं जी मालूम नहीं है ज़रा सामने आए अपनी फ़ोटो दिखाएं बॉलिंग के बाद प्लीज़ ये क्या विकेट यार तो ये भाई आप ही जाओ डबल सिंगल करो विकेट है ना लगे पीछे केड़ी विकेट है सही है फिर हमारे टूर्नामेंट में आज ना छोटे पूरा प्ले खेल ये बैट्समैन पिछले सेकंड टूर्नामेंट में इन्होंने मैच जितवाया था जो कि 60 प्लस नहीं होता था तो इन्होंने 80 प्लस किए जी इस टाइम नए आने वाले बैट्समैन जो कि
बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर बॉलर शामख में अपना नाम है इनका सकलैन चौधरी सकलैन। जी हुज़ैफ़ा साहब ये शामख में है शामख अबू ज़ेबी सामने है वो आपका फोटो देखने के लिए बेताब हैं उनको नींद नहीं आ रही वो फरमा रहे हैं हुज़ैफ़ा मिशाल साहब ये हुज़ैफ़ा मिशाल साहब हैं जी इधर सामने तशरीफ़ फरमाएं थोड़ा इशारा करें नए वाले आने वाले गेस्ट मैन चौधरी सकलैन मुश्ताक हमारे बहुत ही अच्छे राउंडर ओए क्या क्लासिकल शॉट लगा और ये दो रन बनेंगे देखें जी दो रन बने सकलैन मुश्ताक जी बिल्कुल सकलैन मुश्ताक ये इंतहाई महल्ले में मैच पहुंच चुका है इस टाइम इसके बाद ओवर को नहीं है यहाँ पर मौजन भी अजान देने के लिए तैयार लेकिन हम लोग मैच खेल रहे हैं ओ ये वाइट बॉल वाइट बॉल अख्तर का इशारा वाइट बॉल शुक्रिया अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ये वाइट बॉल दिया भाई बस। जी तमाम व्यूअर का शुक्रिया जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं लाइक करें फॉलो करें शेयर करें ओ क्लासिकल शॉट इट्स द वेरी वेरी ब्यूटीफुल शॉट ये सकलैन भाई हैं जिन्होंने पिछला मैच जितवाया था फाइनल सेकंड थर्सडे बहुत ही अच्छा विन किया बहुत ही अच्छा विन किया मेरे ख्याल से ये तैयब शाह ने जो बहुत ये जो तैयब शाह साहब हैं इनके जी ये तैयब शाह साहब के फूके बहुत चलते हैं जी इन्होंने अभी अभी कोई दम दरुद किया सकलैन भाई को बैटिंग पे भेजा और सकलैन ने अच्छे स्कोर किया ये एडी भाई प्यास लग गई है ना कोई छक्का लगाया ना कोई फोर लगाया लेकिन विकेट पर मौजूद लेकिन ओल्ड मैन इज गोल्ड स्कोर बताओ स्कोर क्या हो गया जी स्कोर जी स्कोर इस टाइम 200 हो गया है 200 क्रॉस कर चुके हैं जी इस टाइम करामत भाई बहुत ही टेंशन परेशानी में मुब्तला फाइनल मैच रोन जारी है जी 32 रन हो चुके हैं सॉरी आप लोगों को जगाने के लिए मैच के इंटरेस्ट के लिए थोड़ा जगाया जा रहा है जी 5 ओवर हैं 51 का टारगेट है और 32 रन हो चुके हैं 3 ओवर में 5-5 ओवर का फाइनल मैच खेला जा रहा है वैसे 6-6 ओवर थे भाई मैच जीतेंगे इंशाल्लाह जी जीतेंगे बिल्कुल जीतेंगे जी तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया बेहद शुक्रगुजार हैं मैच देखने वालों के बहुत बहुत मशहूर हैं चाचा एक बार में मार के मैं क्या करता है छे तो उन्हें बनाया एक डबल आया एक सिंगल आया एक वाइड एक जो का एक पहली तो एडी ने डबल लिया एक वो थे आठ तो आई हो गए
एक अभी डबल जी हमारे बीबस बांग्लादेश से कतर से शरीफ कबीर दिल मोहम्मद किंग बिलाल दो डबल एक सिंगल एक वाइड एक चौका दस मोहम्मद आरिफ इस टाइम लाइव देखने के लिए मौजूद तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक करें शेयर करें फॉलो करें एक सिंगल एक वाइड एक चौका जी दो डबल हमारे बहुत ही अच्छे बहादुर जी बहादुर साहब थैंक यू नुमान खान जी थैंक यू फोर आवर्स स्टार्ट है इस टाइम जी मैच बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है 12 बॉल का 18 रन एडी भाई बैटिंग के लिए तैयार मैक जानी आप तशरीफ फरमा हैं आपका शुक्रिया द ब्यूटीफुल फोर फोर आई टॉक बिफोर फोर फोर आई कॉल बिफोर फोर फोर ओके मोदी साहब शुक्रिया किधर है किंग साहब जी ये मैच इस टाइम श्वामक अबू धाबी में खेला जा रहा है चाचा का बॉडी निकल गया हम हुई ने उठो उठो उठ जाओ सामने हुई 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 मालूम नहीं है तो भी हुई भी नहीं मालूम है क्या मालूम है जी ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है इस टाइम ये मैच आखिरी मरले में पहुंच चुका है ये एडी भाई का छक्का ओ क्या छक्का एडी भाई जितना कद इतना लंबा छक्का क्या छक्का जी मैं जानी आप तशरीफ फरमाए हैं शुक्रिया जी एडी भाई बहुत अच्छे सिक्स लगा रहे हैं पहले फोर लगाया बाद में सिक्स लगाया एडी भाई मैच को जो लास्ट तक ले जाना चाहते थे तो वही प्लानिंग के साथ जो खेले हैं और अच्छा प्लान बना के खेले हैं तो मैच जितवा के आएंगे जियो एडी भाई बहुत लेट हो गया आज सी दिन 12 बजे तो पहले गया थोड़ा समझ जा जी एडी भाई इस टाइम मौजूद है बैटिंग करते हुए एडी भाई ने पहले भी फाइनल खिलवाया था मैच और आज फिर फाइनल आखिरी मरले में मैच स्टार्ट है और दो बॉल हो चुकी है मैच बहुत शानदार जी ये ओ ओ ओ ओ एडी भाई आउट हो गए हैं गुस्से में बहुत मैच बहुत आखिरी मरले में पहुंच चुका है इस टाइम 9 बालों पे जी 8 रन चाहिए जी एमडी आर्मन इमरान ओके जी एडी भाई का बहुत अफसोस हुआ है दिली दुख हुआ है बहुत बहुत अफसोस एडी भाई ने मैच बना दिया है बहुत अच्छा मैच बनाया है शायद अफरीदी की तरह इन्होंने दो बॉलों पे एक छक्का एक चौका लगा कर मैच को आखिरी मरले में पहुंचाया जी आतिफ भाई इस टाइम बैटिंग पे मौजूद हैं और आतिफ भाई ने एक बॉल की खेली और एक रन जी 8 बॉलों पे 7 रन दरकार जी आतिफ भाई को अफसोस जी मैक जानी अफसोस के लिए आपको मिस कर रही हैं
ये शाह जी के पड़ोसी भी हैं, शाह जी ने दम भी करते हैं इनको और ये शाह जी का दम बहुत चलता है। शाह जी ने दूसरा टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, सिकलैन अच्छा खेल रहा जी, सिकलैन ने मैच विन करवा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स और देखने वालों का जी। ये शाह जी ने मोबाइल दिया हुआ था हमें डाटा चलाने के लिए, तो शाह जी का डाटा काम आ गया। शाह जी ने बहुत अच्छा मैच जितवा कर अपनी अपनी कप्तानी में आखिरी मरले में पहुंचा दिया जी। तमाम व्यूअर्स जी, तैयब शाह साहब इस टाइम मौजूद हैं, मैं उनका बेहद शुक्र गुजार हूँ, इन्होंने मैच विन किया जी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको जी, सामने तशरीफ फरमा जी। आपका क्या प्लान था आज? आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की आपकी टीम ने, और इससे पहले भी क्या खास हुआ है आपके पास, क्या खास हुआ जी फरमाइए। इंशाल्लाह हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी जी, इसलिए इंशाल्लाह अल्लाह हमको जीतेगा जी। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, वेरी वेरी नाइस जी, पार्टी हो गया आपके साथ जी। ओके शुक्रिया, एक मिनट जी, आती भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ फरमाए, अपना नेट मोबाइल बंद करें और हमें इजाजत दें और हम लोग सोने की तैयारी करें। आती भाई तशरीफ फरमाए एक दफा सामने, और आप फाइनल जीत चुके हैं, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, आप स्पेशल मुसफा से मैच खेलने के लिए आए और आप जीत गए, आपकी जीत की हमें बहुत खुशी हुई है, तो हम इंशाल्लाह पार्टी मांगेंगे आपसे कि आपने जीता जी। ओके खुदा ₹50,000 इनामी रकम पे पार्टी मांगेंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। बात बताएं अच्छे जी। ओके बाय बाय जी। ओके जी, जी जी करके बाय बाय हो गया दोस्तों, हम मिलेंगे आपको कल, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी यार। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे दोस्तों कल, क्योंकि अभी जाके ड्यूटी पे भी जाना है, नमाज पढ़नी है, नहा के फिर सीधा मजदूरी में जाके मिस्त्रियां, मगर 100 तबूक उठाना है, फिर मसाला बनाना है, तो फिर उस तो बाद मैं छुट्टी करनी है यार। अपना ख्याल रखना है, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात।